दर्पण बेबसी तन्हाइयां, अश दर्पण बेबसी तन्हाइयां, जिंदगी इसके सिवा कुछ भी नहीं, जिंदगी इसके सिवा कुछ भी नहीं। एक शेर और सुनेगा कि सबने अपने दर्द गम का जिक्र किया। मुल्तानी साहब एक युवा शायर, जिसने जब शायरी पढ़ी है, शायरी दिल से पढ़ी जाती है, सब तो सर कोई गढ़ लेता है, कहना अलग चीज है, इसमें वो गुण है, बहुत साधुवाद देता हूं कि सबने अपने दर्द गम का जिक्र किया, लेकिन किसने किसका कितना फिक्र किया। आप लोग उसके दर्द का फिक्र करिए। इस शेर के माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे बीच बेटियां उपस्थित हैं, एक गजल जो मुझे पढ़ने के लिए बहुत उत्साहित किया गया है सोशल मीडिया पर, और भाई पवन जी उसी के लिए कह रहे थे, गला थोड़ा सा खराब है लेकिन कोशिश करता हूं, गजल का मतलब हाजिर करता हूं आप सभी के लिए। गजल है, सुनिएगा दर्द से, ताली बजाने की आवश्यकता नहीं है, महसूस करिए, कुछ लेके जाइएगा। रात गुजर जाती है जग कर, इस दिल को समझाने में, रात गुजर जाती है जग कर, इस दिल को समझाने में, आकर कोई तो ले जाए इसको पागल खाने में, आकर कोई तो ले जाए इसको पागल खाने में। शेर नज़र करता हूं, सुनेगा। कोई सबब तो होता ही है आंसू गम बेचैनी का, कोई सबब तो होता ही है आंसू गम बेचैनी का, किंतु बहुत मुश्किल होता है, किंतु बहुत मुश्किल होता है दिल की बात बताने में, किंतु बहुत मुश्किल होता है दिल की बात बताने में। शेर हाजिर करता हूं, सुनेगा। प्यार मोहब्बत का यह कच्चा रास्ता बेहद नाजुक है, प्यार मोहब्बत का यह कच्चा रास्ता बेहद नाजुक है, जान तलक भी जा सकती है, जान तलक भी जा सकती है सच्चा प्यार निभाने में, जान तलक भी जा सकती है सच्चा प्यार निभाने में। और शेर देखिएगा, खुददारी का शेर है, लेके जाइएगा, ये भी सोशल मीडिया पर वायरल होने को है, मुझे लगता है इतनी मांग इसकी हो रही है, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि इसको आप पढ़िएगा सुनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। इश्क किसी से कर लो लेकिन इतनी गुंजाइश रखना, इश्क किसी से कर लो लेकिन इतनी गुंजाइश रखना, यार खता भी हो सकती है
यार खता भी हो सकती है जाने या अनजाने में। यार खता भी, मोहब्बत करना बहुत आसान है, उसको साथ निभाना, उसके पार ले जाना, उस समंदर के पार जाना बहुत मुश्किल होता है, ये अपना एक्सपीरियंस है 50 साल का। आइए शेर हाजिर करता हूँ, बेटियाँ बैठी हैं, मैं वो शेर पढ़ता हूँ जो हर कोई सुन पाए, मैं शायरी वो करता हूँ जो हर कोई परिवार के साथ सुन पाए, शेर हाजिर करता हूँ, सुनेगा। उल्फत एक समंदर सी है, उतरोगे तो देखोगे। डॉक्टर साहब, उल्फत एक समंदर सी है, उतरोगे तो देखोगे, धड़कन तक थमने लगती है, धड़कन तक थमने लगती है, गहराई तक जाने में। धड़कन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शेर देखेगा कि धड़कन तक थमने लगती है, गहराई तक जाने में। और शेर हाजिर करता हूं, सभी को सौंपता हूं, शेर देखेगा, संभालिएगा शेर को। गम तड़पन आंसू बेचैनी, जोर घुटन बेताबी, गम तड़पन आंसू बेचैनी, जोर घुटन बेताबी, और बहुत कुछ ऐसी दौलत, और बहुत कुछ ऐसी दौलत है दिल के तहखाने में, ऐसी दौलत है दिल के तहखाने में। जो ये चीज़ें हैं, बच्चे ने कहा कि ये वो, बेटा मोहब्बत में इसको दौलत समझिए और दिल के तहखाने में रखिए, ये आपको जिंदा रखेंगे, आपको हिम्मत देंगे, हौसले देंगे, हारना नहीं है। आइए शेर हाजिर करता हूँ। मोहब्बत क्या है? सकरा रस्ता लंबी दूरी, ऊपर से ये तन्हाई, सकरा रस्ता लंबी दूरी, ऊपर से ये तन्हाई, सांस उखड़ जाया करती है, सांस उखड़ जाया करती है, दिल तक आने जाने में, सांस उखड़ जाया करती है, दिल तक आने जाने में। दो शेर और हैं, जहमत उठाइए और सुनिए। मोहब्बत क्या है? देखने में बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन शेर क्या कहता है, आपको क्या करना है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। शेर सुनिएगा पवन जी। हर नूरी शय हासिल कर लेने की अज़हद ख्वाहिश में, हर चमकदार चीज, हर नूरी शय हासिल कर लेने की अज़हद ख्वाहिश में, छू भी लेते हैं अंगारे, छू भी लेते हैं अंगारे, हम अक्सर पचकाने में, छू भी लेते हैं अंगारे, हम अक्सर पचकाने में। गजल का आखिरी शेर, उसके बाद अपना स्थान लेता हूँ। गजल का आखिरी शेर देखेगा, आप सभी के लिए है।
इस समय जितने लोग बैठे हैं ये 1000 की महफिल के बराबर हैं। मैंने 10-10 हज़ार लोगों के बीच पढ़ा है, लेकिन जिस तरह से आप सदस्य सुन रहे हैं मुझे लगता है मेरी शायरी यहाँ सार्थक गई, पढ़ने पर मेरी गजल सार्थक गई। गजल का आखिरी शेर उसके बाद बैठता हूँ। गम खारों आओ मिलकर हम भी दिल के कुछ शेर कहें, गम खारों आओ मिलकर हम भी दिल के कुछ शेर कहें, गम कुछ हल्का हो जाता है, गम कुछ हल्का हो जाता है सुनने और सुनाने में, गम कुछ हल्का हो जाता है सुनने और सुनाने में। बहुत शुक्रिया। मैं पुनः एक बार, मेरा नाम केपी सिंह विकल भरैची, मैं पन्नगर विद्यालय में ही कार्यरत हूँ, साहित्य से जुड़ा हूँ लगभग 20 सालों से, दसियों साल से मंच कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा एहसास हो रहा है और मैं विशेष रूप से पुनः बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस मंच के माध्यम से मैंने अपनी गज़ल आप तक पहुँचाई है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस मंच का भी, पूरे सेटअप का, और जितने भी हमारे साथी युवा साथी बैठे हैं, मैं पुनः पुनः बार बार इनको साधुवाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।